हम आज बात करेंगे राशि वृष के बारे में, कैसा रहने वाला है मई 2020 राशि वृष के जातक के लिए। आपकी राशि स्वामी शुक्र आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर परिस्थितियां हैं आपके लिए। सूर्य गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव के अंदर 14 तारीख तक, 14 तारीख के बाद सूर्य आपके वापस आकर के आपकी राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल 4 तारीख के बाद आपके दशम भाव में जाकर के पहुंच जाएंगे। ये माह अगर उठा करके मैं देखूं तो आपके लिए बेहतरीन महीनों में से एक है। कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ें किस प्रकार की, ये माह बहुत प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होने वाला है। बहुत मौज मस्ती के साथ अपनों से मिलते हुए, अपनों से परामर्श इत्यादि लेते हुए इस माह को बड़े मस्ती और बड़ी प्रसन्नता के साथ आप व्यतीत करने का प्रयास करेंगे और सुख साधन इत्यादि आपको प्राप्त भी होंगे और मन आपका जरूर प्रसन्न रहेगा। इस माह आपको कई सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी जगह पर घूमना भाग दौड़ करना पड़ेगा। द्वादश भाव में सूर्य आपके 14 तारीख तक गोचर करेगा। 14 तारीख सूर्य जो है वो विदेशी कार्यों का कारक प्लैनेट माना जाता है। यदि विदेश से संबंधित आपका कोई भी कार्य है, कोई लेन देन है या कोई भी विशेष प्रक्रिया है तो तारीख 14 तक आप उस पर प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर रिजल्ट उधर से प्राप्त होगा। एक अच्छे रिजल्ट पा करके आप जीवन को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, तारीख 14 तक किसी प्रकार से भूमि से संबंधित कोई लेन देन या मकान से संबंधित कोई लेन देन या गाड़ी से संबंधित कोई कार्य नहीं कीजिएगा। अगर ऐसे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको बड़ी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी मई में तारीख 14 तक। पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है या पैतृक प्रॉपर्टी इत्यादि भी अगर आपकी कोई है तो वहां पर भी विशेष रूप से दिक्कतें होंगी। पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है कि इस माह ना तो किसी को धन देना है और ना किसी से बहुत जरूरी हो तो कर्ज प्राप्त करने का प्रयास करना है। इस माह में लिया गया कर्ज देने में बहुत मुश्किल होगी और जो कर्ज आपने अगर दे दिया इस माह में तो उसको प्राप्त करने में आपको बहुत मुश्किल चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। परिवार के कुछ अंदरूनी लोग, ध्यान रखिए, परिवार के कुछ अंदरूनी लोग षड्यंत्र करके आपको नए नए मामलों में फंसाने का प्रयास करेंगे। वो परिवार के ही लोग होंगे, पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ अंदरूनी लोग ही अनेक प्रकार का षड्यंत्र करके आपको नए नए मामलों में फंसाने का प्रयास करेंगे। तो आपकी सावधानी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगी। जब तक आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य है और वो हो नहीं जाता है तब तक उसको, जो परिवार के बहुत क्लोज हैं उनको छोड़ करके बाकी लोगों से डिस्कस करना आपके लिए बेहतर नहीं है। इस माह एक जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आपकी राशि में दिख रही है, आपकी जॉब को लेकर के दिख रही है। आपकी राशि दिखा रही है कि आपकी जॉब अचानक इस माह जाने का योग है। तो अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दीजिए और रोज अपने काम पर जाते वक्त हनुमान जी का ध्यान करके जरूर जाइए। हनुमान जी का स्मरण करके, हनुमान जी का ध्यान करके अपने कार्य पर जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में कार्य में जो विघ्न उत्पन्न होने वाले हैं, जो दिक्कतें उत्पन्न होने वाली हैं, वो हनुमान जी के आशीर्वाद से पूर्ण होंगे। ध्यान रखना है इस माह, जो चाहे आप स्त्री हैं तो पुरुष से और पुरुष हैं तो स्त्री से, बाहरी स्त्री और पुरुष से विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई बाहरी स्त्री या पुरुष षड्यंत्र के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और वो आपके कार्य में और आपके पर्सनल जीवन में भी समस्या पैदा करने का प्रयास करेंगे। तो जितना दूर रहेंगे स्त्री, अगर जो भी आपके अपोजिट हैं उनसे जितना सतर्क रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपने विशेष रूप से प्रयास किया है किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह करने का तो ये माह आपके लिए बहुत बेहतर है, आप उस पर आगे चल सकते हैं। यदि आप किसी पार्टनर के साथ कोई काम कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपका अच्छा, आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। संतान को लेकर के भी इस माह आप काफ़ी चिंतित रहने वाले हैं। संतान की तरफ से कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपके मन को पीड़ा देंगे, मानसिक अशांति प्रदान करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर के भी ये माह बहुत अच्छा नहीं है। प्रेमी या प्रेमिका की तरफ से आपको धोखा मिलने का योग सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है तो उनकी तरफ से भी आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है।
आपके लिए हरा कलर बेहतर होगा, बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए बेहतर होगा और 3 का अंक आपके लिए इस माह सबसे बेहतर रहने वाला है। किसी भी इम्पॉर्टेंट काम पर जा रहे हैं तो हो सके तो एक हरी रुमाल ही साथ में रख करके जाएं और 3 के अंक का यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। कोई और विशेष जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो संस्थान का नंबर आपको दिख रहा है, संस्थान सदैव आपके लिए सेवारत है, आपके कार्य के लिए हम सदैव प्रयास करते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपने विषय में कोई भी जानकारी इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मंदिर में अभी भी पूजन और यज्ञ इत्यादि रेगुलर चल रहा है ताकि दुनिया की भी समस्याएँ दूर हों और हम सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों। रत्न का सिद्धिकरण इत्यादि चल रहा है, उससे संबंधित कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है, संस्थान का नंबर प्लीज कॉल करें, अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि बहुत सारे राशिफल लोग डाल नहीं पाए हैं तो हम पहले व्यक्ति हैं जो राशिफल डाल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लोगों तक